सो ऑलराइट गाइस, एक बार फिर से अपन लोग आ चुके एक धमाकेदार वीडियो के साथ। सो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि स्मार्टी भाई के चैनल पर हिमालयन सीजन 4 का एपिसोड नंबर 17 आ चुका है। और गाइस, आई थिंक आप लोगों ने देख भी लिया होगा। और भाई, इस बार तो इंतजार करते करते परेशान हो गया था मैं, बट भाई फाइनली एपिसोड नंबर 17 आ ही गया। और गाइस, अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से आकर उस वीडियो को देखो, बहुत ही ज्यादा तगड़ी वीडियो है स्मार्टी भाई की। बाकी गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ स्मार्टी भाई के हिमालयन सीजन 4 के एपिसोड नंबर 17 की कुछ हिडन डिटेल्स, जो कि आप में से ज्यादातर बंदों ने देखते टाइम नोटिस नहीं करी होगी। और गाइस, मैं हिमालयंस के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्मार्टी भाई या फिर हिमालयंस से हेट करता हूँ, मैं बस उनकी वीडियोस की केवल हिडन डिटेल्स को बताता हूँ। और भाई, पिछली वीडियोस में जो मैंने हिडन डिटेल्स बताई थी, वो चीज देखकर आप लोग शॉक हो गए थे, बिकॉज इतनी तगड़ी हिडन डिटेल और किसी ने नहीं बताई थी। सो अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो यार उन वीडियोस को भी आप देख लेना। और भाई, इस वीडियो में कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है, तो यार वीडियो को एंड तक देखना। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर के हिडन डिटेल के बारे में। तो यहाँ पर इस वाले सीन में आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे कि स्मार्टी भाई के इन्वेंट्री में 23 गोल्डन कैरेट्स हैं, बट यहाँ पर जैसे स्मार्टी भाई पोर्टल से बाहर निकलते हैं, उनके इन्वेंट्री में 27 गोल्डन कैरेट आ चुकी थी। और भाई, ये चीज कैसे हुआ मुझे नहीं पता, बट क्या आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी थी या फिर नहीं? और हाँ गाइस, हम लोग 30K के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे। सो बढ़ते हैं अपने अगले हिडन डिटेल की तरफ। सो गाइस, इस वाले सीन में जब यहाँ पर स्मार्टी भाई विजर्ड से बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमको एक लाइन में लगभग 5-6 मशरूम दिखते हैं, बट भाई इन मशरूम्स में से लास्ट वाला जो मशरूम होता है वो भाई हवा में टिका हुआ था, मतलब उसके नीचे कोई भी ब्लॉक नहीं था, यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे। और भाई, ये चीज कैसे पॉसिबल है मुझे नहीं पता, बट क्या आप लोग ने ये चीज नोटिस करी थी या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ गाइस, अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो। सो बढ़ते हैं अपने अगले हिडन डिटेल की तरफ। सो गाइस, ये क्लिप है हिमालयन सीजन 3 की, जिसमें आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जब होगा लाला ट्रैप होने वाला था, तो उसका नेम टैग हमको नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर हिमालयन सीजन 4 के एपिसोड नंबर 17 में जब यहाँ का क्राइंग ऑक्सीडेंट टूट जाता है, तो यहाँ पर हमको होगा लाला का जो नेम टैग है वो साफ साफ देखने को मिलता है। और अब भाई, ये चीज कैसे पॉसिबल है मुझे नहीं पता, बट क्या आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी थी या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भाई, इतनी तगड़ी हिडन डिटेल जानने के बाद भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। सो बात कर लेते हैं अपने अगले हिडन डिटेल के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जब विजर्ड नीचे ट्रैप बना रहा था इनविजिबल एंटिटी के लिए, तो क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी थी कि विजर्ड जो ब्लॉक तोड़ रहा था वो ब्लॉक ड्रॉप ही नहीं हो रहे थे, मतलब अगर कोई नॉर्मल आदमी ब्लॉक तोड़ता है तो भाई वो ड्रॉप होता है, प्लस वो मिल भी जाता है, बट यहाँ पर विजर्ड जो ब्लॉक तोड़ रहा था वो ड्रॉप ही नहीं हो रहा था। और भाई, वो कौन सी पिकेक से बेडरॉक को तोड़ रहा था मुझे नहीं पता, बट यार वो विजर्ड है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी थी? सो गाइस, दैट्स इट, यही था आज की वीडियो के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफी हद तक पसंद आई होगी। और एंड में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आई वांट टू से दोस्त 3 गोल्डन वर्ड्स कॉल्ड।